अच्छा जी, तो अभी मैं आई हुई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 2-2.5 बज रहे हैं। तो बस मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी और कपड़े डालने के लिए मैं छत पे आ गई। असल में कपड़े तो हमने सुबह में ही धो लिए थे, लेकिन वो घर के कामों की वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई कपड़े डालने में। और आज मौसम इतना खुला खुला सा था, धूप भी निकल रही थी, तो हम लोगों ने बिल्कुल भी देर नहीं करी। पहले तो अम्मी सोच रही थी कि हम लोग कल धो लेंगे, फिर मैंने बोला अम्मी आज का मौसम बहुत खुला हुआ है, पता नहीं कल बारिश हो जाएगी तो फिर कपड़े फिर नहीं धुल पाएंगे। तो बस हम लोग यही इंतज़ार में रहते हैं कि जैसे ही मौसम खुले तो हम लोग सबसे पहले कपड़े धो के डाल दें। ऐसा नहीं है कि हमारे कपड़े हमेशा रख ही रहते हैं धोने के, लेकिन जितने भी होते हैं ना, हम जल्द से जल्द उनको धो के और सुखा के प्रेस करने की तैयारी में रहते हैं, क्योंकि फिर मौसम की वजह से वो कपड़े पड़े रहते हैं और फिर और एक्स्ट्रा जमा होते जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं अभी यहाँ पे कपड़े सुखाने आई थी, और फिर उसके बाद मैं नीचे जाके खाना खाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, क्योंकि कपड़े धोने के अलावा भी घर के जो बाकी काम होते हैं वो करना होता है, और कपड़े हमेशा हम लोग इकट्ठे करके ही धोते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक बार या ज़्यादा हो जाए तो 2 बार धो लेते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि 4 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, इसलिए बड़ी जान पे आती है और बहुत थक जाते हैं हम लोग जिस दिन भी कपड़े धोना होता है। तो इसलिए हम लोग हफ्ते में 1-2 बार ही धोते हैं, रोज़ रोज़ नहीं, हमको पूरा आता है इतना, तो इसलिए अम्मी और हम लोग इकट्ठा कर लेते कपड़े और फिर हफ्ते में 2 बार या 1 बार धो लेते। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, खाना वगैरह मैंने खा लिया था और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और फिर उसके बाद किचन के बाकी सारे काम निपटा के असर की नमाज़ पढ़ के मैं अभी आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं कड़क पत्ती वाली चाय बना रही हूँ अम्मी और बाजी के लिए, उनको बिल्कुल कड़क चाय अच्छी लगती है। कभी कभी मेरे से पत्ती कम भी हो जाती है तो फिर उनको चाय पसंद नहीं आती, इसलिए मैं कड़क तेज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं अम्मी और बाजी के लिए चाय बना रही थी, लेकिन अम्मी यहाँ पर थी नहीं। मैंने घर में सब दूर देख लिया, फिर पता चला कि अम्मी तो छत पर हैं। फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी आप छत पे क्यों गए थे? तो क्योंकि मैंने उन्हें मना किया था सोने से पहले कि अम्मी छत पे आप कपड़े उठाने मत जाना, मैं ले आऊँगी। तो इसलिए अम्मी से मैंने पूछा, अम्मी आप क्यों गए थे? तो अम्मी ने बताया कि वो रस्सी बांधने गई थी। असल में हम लोगों ने इतने सारे कपड़े धोए थे और कपड़े इतने धो तो लेते हैं हम लोग, लेकिन सुखाने की जगह नहीं होती, लेकिन इसलिए फिर दिक्कत होती है। तो अम्मी बता रही थी कि मैं रस्सी बांधने के लिए गई थी ताकि कपड़े अच्छे से डल जाएँ। छाती में चाय देती हूँ, सॉरी अम्मी, अब नहीं करूँगी, माफ कर दो इस दफा। अम्मी थोड़ी देर लेट जाओ। नहीं नहीं, मैं सही में बोल रही हूँ, एकदम छत पे चली गई ना, तो क्या हो? हाँ वो तो है, क्यों नहीं है? अच्छा फिर आपकी तो बात ही अलग है। खूब खूब सही बाजी। अम्मी इतनी तारीफ सिर्फ कैमरे के लिए हो रही है। अम्मी की तो मैं तारीफ करती हूँ, पूछ लो अम्मी से। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अभी तकरीबन बज रहे हैं 7:30-8:15, तो फिर बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं खाना बनाने आ गई हूँ। कभी कभी मगरिब से पहले भी बनाने लगती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट बना रही हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे ऑमलेट बना रही थी, ऑमलेट हारिश के लिए बना रही थी मैं, और खाना सब्जी बनाना है हमने, अंडे की सब्ज़ी, रोटी और दाल चावल बनाना था, तो दाल बना ली थी मैंने और चावल बन रहे हैं मेरे, और अंडे की सब्ज़ी और रोटी मैं बनाती, लेकिन हारिश को भूख लगने लगी तो फिर उसने कहा मम्मा ऑमलेट बना दो, तो फिर मैं उसके लिए ऑमलेट बनाने लगी। और वैसे भी अगर मैं सब्ज़ी बना भी लेती तो वो सब्ज़ी नहीं खाता, वो ऑमलेट ही बनवाता, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, ऑमलेट लूंगा। तो बस मैं यहाँ पे उसके लिए फीका फाका सा ऑमलेट बना रही थी, बस प्याज डालती हूँ उसके ऑमलेट में, मिर्ची बिल्कुल नहीं लेती हूँ मैं, और क्योंकि वो मिर्ची खाता नहीं है, लेकिन कभी कभी उसका मन होता है तो बोलता है टेस्टी सा ऑमलेट बनाना मिर्ची के साथ, तो फिर कभी कभी मिर्ची डाल दिया करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं उसके लिए बिना मिर्ची का ऑमलेट बना रही थी। और बस जी, क्या है, खाना बन जाए फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के हम लोग खाना वगैरह खाएंगे।
अच्छा, कभी कभी मेरा खाना लेट हो जाता है। लेट कैसे, मतलब मगरिब के बाद बनाती हूँ तो ज़ाहिर लेट ही होगा, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ना काम बिल्कुल टाइम से और जल्दी होता है ना तो बड़ा सुकून रहता है, और थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो मुझे अपने मन में अच्छा नहीं लगता कि यार लेट हो गया। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, घर में सभी लेट खाना खाते हैं, लेकिन बस मैं सोचती हूँ जल्दी खाना बने तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, हम लोग उनके साथ बैठे उठे, तो बस लेट हो जाता है तो ये सब कुछ हो नहीं पाता है। और हम मगरिब के बाद भी अगर हम एक जैसे अगर खाने में लग जाए ना तो खाना बन जाता है जल्दी से, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं जब भी मगरिब के बाद बनाती हूँ लेट ही होती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आयान हरीश परेशान करते हैं, वो करते हैं चाहे कुछ भी हो, कभी खेलने में परेशान करते हैं, मतलब कभी कभी लड़ लेते हैं या कभी बोलते हैं मम्मा ये चाहिए वो चाहिए या हमारे पास 5 मिनट बैठ जाओ या ये कर दो वो कर दो, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है, तो इस चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा उनके आसपास ही रहती हूँ, लेकिन एक जो फ्री वक्त होता ना हमारे पास फ्री टाइम वो जो होना तो उसको मैं अच्छे से उनके साथ यूज़ नहीं कर पाती। खैर ऐसा कभी कभी होता है तो चलता है, इतना तो सब चलता रहता ही तो था। और यहाँ पे सब्जी वगैरह बन गई थी और ये भी आ गए थे दुकान से, तो मैं इनका और मेरा खाना निकाल रही थी, तो बस अब हम लोग खाना खाएँगे और उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। कल तो बहुत ही मसले हो गए, रात भर लाइट नहीं थी तो हमारी बड़ी दिक्कत हो गई, तो मेरी एडिटिंग भी रुक गई थी, तो बस इसीलिए। तो बस जी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है मेरी, और अभी तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, आयान हरीश को मैंने सुला दिया है, तो बस अब मैं भी जा रही हूँ सोने। मैंने सोचा मैं अपने वीडियो का एंड और कर दूँ, तो बस उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।